दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज हम एडोबी फोटोशॉप सीसी 2018 के इमेज एडिटिंग के ह्यू सैचुरेशन के बारे में आज देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इमेज ओपन करेंगे, हमने ये एक इमेज ओपन कर ली है। एडोबी फोटोशॉप सीसी 2018 के इस वर्कस्पेस में आपको मेनू बार में इमेज में जाना है, यहाँ से एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा, वहां से आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू 0-0 है, तो यहाँ से हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद हमारी इमेज में एक फ्रेशनेस आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू 50 कर देते हैं और कॉन्ट्रास्ट यहाँ से 20 करते हैं, -20 करते हैं, यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद वापिस से हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट के ड्रॉप डाउन मेनू में ह्यू सैचुरेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपको ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस के तीन स्लाइडर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे तीनों का वैल्यू 0 है। ह्यू का जो स्लाइडर है इसे अगर हम राइट की तरफ लेंगे तो आपके इमेज में जो भी कलर है वो हर एक कलर में आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे स्लाइडर के जो रंग में आप स्लाइडर लेके जाएंगे उस रंग में आपकी इमेज दिखने लगेगी। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल 0 ही रख देंगे। सैचुरेशन में आप रंगों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ही मैं स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाऊंगा आपके इमेज में जितने भी कलर है वो ज्यादा से ज्यादा कलरफुल दिखने लगेंगे, और जैसे ही मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा आपके इमेज में जो भी कलर है वो माइनस होते जाएंगे और आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगी। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे। लाइटनेस में आपका स्लाइडर अगर आप राइट की तरफ लेंगे तो आपकी इमेज लाइट दिखाई देंगी, बहुत ही ब्राइट हो गई, और जैसे हम इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपकी इमेज काली हो जाएगी। तो इसे हम 0 करेंगे। अभी हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं, सैचुरेशन हम 30 करेंगे और लाइटनेस हम 10 करेंगे, और यहां से हम इसको ओके बटन दबाएंगे और इस इमेज को हम सेव एज करेंगे करेक्टेड। यहाँ पे हम सेव का बटन दबाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने जो चेंजेस किए हैं वो नई फाइल में किए हैं, ओरिजिनल फाइल हमारी जैसी है जैसे पहले थी। तो यहाँ से हम हमारी ओरिजिनल फाइल ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने ओरिजिनल फाइल ओपन कर ली है और ये हमारी करेक्टेड की गई इमेज जिसमें हमने सैचुरेशन और लाइटनेस की वैल्यू बढ़ाई है। इन दोनों फाइल को एक साथ देखने के लिए वर्कस्पेस पे विंडोज का जो मेनू बार का जो विंडोज है उस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अरेंज और टाइल ऑल वर्टिकली पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इमेज में हमने क्या क्या करेक्शन की है और वो डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले इमेज जो हमारी ओरिजिनल है वो टोटली हमें डल दिखाई दे रही है, ना ही उसमें कुछ कलर है और दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन दूसरी जो इमेज है उसमें हमने थोड़े सैचुरेशन और लाइटनेस की वैल्यू बढ़ा दी, तो इसमें एक तरह की एक फ्रेशनेस आ गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम इमेज में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस बढ़ा के उसका वैल्यू सेट करके हम हमारी इमेज को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाओ, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।